वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से जिनसे आप अपने लंग की कैपेसिटी बेटर कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो हम 90% अपनी बॉडी की एनर्जी सांस के द्वारा लेते हैं। हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ क्लेंजिंग जो बॉडी की होती है वो भी सांस के द्वारा होती है। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो कि बॉडी का मेन वेस्ट प्रोडक्ट। और आपको जान के हैरानी होगी कि नॉर्मल ब्रीदिंग में हम खाली 1/3 अपने लंग्स को यूज करते हैं, खाली 1/3 भाग यूज करते हैं, 2/3 रिमेन्स अनयूज्ड। तो अगर कुछ ऐसे सिंपल एक्सरसाइजेस हो जिससे हम अपने लंग्स को ज्यादा अच्छे से यूज कर पाए तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना इम्पैक्ट आ जाएगा। हम अपने आप को ज्यादा एक्टिव फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, बॉडी इम्यूनिटी बेटर हो जाएगी, नींद की क्वालिटी बेटर हो जाएगी। तो पहली ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम सीखेंगे वो है फर्स्ट लिप ब्रीदिंग। फर्स्ट लिप ब्रीदिंग में क्या है, नॉर्मल सांस नाक से लेनी है और सांस को छोड़ते हुए अपने होठों को गोल करके पर्स करके ब्रीद आउट करना। जितनी ड्यूरेशन के लिए आपने सांस ली उससे डबल ड्यूरेशन के लिए आप सांस को छोड़ोगे, एक्सहेलेशन लंबी होगी। इसके कुछ राउंड्स देख लेते हैं। तो ये एक्सरसाइज पर्टिकुलरली यूजफुल रहेगी सीओपीडी पेशेंट्स में जिनमें लंग्स में एयर ट्रैपिंग हो जाती है। और इनफैक्ट जब भी आप ब्रेथलेस हो, आप भागे, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए और ब्रेथलेस हो गए, तो आप इमीडिएटली अपनी सांस को वापस रिगेन करने के लिए, कंट्रोल में आने के लिए भी फर्स्ट लिप ब्रीदिंग कर सकते हैं। इट इज वेरी इफेक्टिव एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम मूव करते हैं डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग। तो डायाफ्राम हमारी बॉडी का मेन मसल है जो रेस्पिरेशन में यूज होता है, एंड ये चेस्ट और पेट के बीच में रफली सिचुएटेड होता है। तो डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, इस मसल को कॉन्शियसली एंगेज करते हैं सो दैट वी आर एबल टू ब्रीद इन अ बेटर वे। तो एक हाथ आपका चेस्ट पे, एक हाथ आपका पेट के ऊपर वाले भाग पे, सांस भरते हुए आपको पेट को बाहर लाना। डायाफ्राम नीचे जाएगा, पेट हवा से भर जाएगा, तो ये हाथ बाहर को आएगा और फिर सांस छोड़ते हुए ये हाथ अंदर जाएगा, पेट के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो कुछ बीमारियों में जैसे सीओपीडी में डायाफ्राम प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता, तो इस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में हम इसको कॉन्शियसली सही तरीके से यूज करेंगे। देखते हैं। जो हाथ चेस्ट पे है ये वहीं का वहीं रहेगा, जो हाथ आपके अपर एब्डोमिन में है ये सांस के साथ थोड़ा बाहर आएगा और फिर सांस छोड़ते हुए अंदर जाएगा। इस डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग में हम फर्स्ट लिप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं सांस को छोड़ते हुए। तो सांस को वैसे ही लेंगे और फिर फर्स्ट लिप से सांस को छोड़ेंगे, तो ये और भी इफेक्टिव हो जाता है। तो ये डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग सभी रेस्पिरेटरी डिजीजेस में आपको फायदा करेगी, और कई बार एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से भी लोगों को सांस में दिक्कत आ जाती है, तो उन केसेस में भी डायाफ्रामेटिक ब्रीदिंग काफी रिलैक्सिंग लगेगी आपको। तो इसको 5 मिनट कर सकते हैं। अगर आप शुरुआत में बैठ के करने में दिक्कत है तो आप इसको लेट के भी कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू द थर्ड एक्सरसाइज, इट्स कॉल्ड बॉक्स ब्रीदिंग। बॉक्स ब्रीदिंग में क्या करते हैं, हम सांस को पहले एक पर्टिकुलर काउंट मन में डिसाइड करके सांस को धीरे धीरे लेते हैं, फिर सांस को उतने ही देर के लिए हम रोक लेते हैं, फिर सांस को उतनी देर के लिए छोड़ते हैं और फिर
उतनी देर के लिए रोक देते, इट्स लाइक अ बॉक्स, आपने सांस को लिया सपोजिंग चार के काउंट तक, फिर सांस को रोके रखा चार के काउंट तक, फिर सांस को छोड़ा चार के काउंट तक, फिर सांस को रोका चार के काउंट तक, प्रोसेस फिर रिपीट होगा, देखते हैं। तो ये काउंटिंग आप मन में कर सकते हैं या कोई कुछ एप्स वगैरह के थ्रू भी है, ये हमें स्टॉपवॉच के फॉर्म में काउंट मिल जाता है। तो बॉक्स ब्रीदिंग से क्या फायदा होगा, बॉक्स ब्रीदिंग से आपको अपनी ब्रीदिंग पे अच्छा कंट्रोल मिलेगा, इसमें ब्रेथ होल्डिंग भी है, स्लो इनहेलेशन है, स्लो एक्सहेलेशन है, सो इट्स अ वेरी गुड ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर ऑल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स एंड फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ द लंग्स। इसके अलावा हम लास्ट ओपन करेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे फिर राइट से लेंगे, राइट को बंद करके लेफ्ट से छोड़ेंगे। जिस नॉस्ट्रिल से आप सांस को छोड़ेंगे उसी से सांस को लेंगे और फिर ऑपोजिट नॉस्ट्रिल से सांस को रिलीज कर देंगे, और इसको बिल्कुल जेंटली करना है, धीमी गति से करना है, स्लोली करना है। So this alternate nostril breathing आपकी lungs को तो better use कराता ही है, it is also very very relaxing, immediate stress relief हो जाता है, इसको भी आप 5 मिनट कर सकते हैं। तो हमने आज 4 breathing exercises देखी, पहली pursed breathing, उसके बाद diaphragmatic breathing, फिर हमने देखी box breathing और फिर last alternate nostril breathing। बहुत simple है ये breathing exercises और आप easily आप इनको घर में कर सकते हो डेली, इनसे आप देखोगे आपके लंग्स मजबूत हो जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों में आपको रिलीफ मिलेगा और इसमें स्ट्रेस रिडक्शन और एंजाइटी रिलीफ भी है, माइंड ये माइंड के लिए भी बहुत रिलैक्सिंग होता है। इसके अलावा एक बहुत बहुत पावरफुल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं खुद भी ऑलमोस्ट 20-22 साल से कर रहा हूं और जिसका ट्रिमेंडस इंपैक्ट पड़ता है हमारे लंग्स पे, इनफैक्ट स्टडीज में दिखाया है कि हमारा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट इंप्रूव हो जाता है, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ स्लीप और भी बहुत सारी बीमारियों में जो रिलीफ देती है वो है सुदर्शन क्रिया। तो ये एक्सरसाइज को सीखने के लिए थोड़ा टाइम हमें देना पड़ेगा, एक 4 दिन के कोर्स के माध्यम से मैं ये एक्सरसाइज सिखाता हूँ और आप ये एक्सरसाइज मेरे से डायरेक्टली सीख सकते हैं, ये ऑनलाइन कोर्स होता है, इसे हम कहते हैं ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप, और जल्दी मेरा कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, इसकी डिटेल्स हम आपसे शेयर करेंगे। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और थोड़ी देर भी अगर हम ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें रोज, आप देखो इसका इतना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो कल से शुरू करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो और वी कीप ऑन शेयरिंग मोर यूजफुल वीडियोस विद यू। थैंक यू।